मार्केट से कुछ भी बाय करो या फिर घर पे कुछ भी मंगाओ, हर चीज़ रिलेटेड हमारी प्लास्टिक की पॉलीथीन से ही होती है। और जहाँ पन्नी दिखी क्राफ्ट करने वालों को, उनका तो बस माइंड घूमने लगता है, जहाँ कबाड़ दिखा यार ये काम आ जाए। अभी बबल रैप्स रखे हैं, पोहा की पॉलीथीन है, सोया चंक्स की पॉलीथीन है, और ये ऑफिस से मेरे जो है फॉइल पेपर बच के आता है, रोज़ इसको आती हूँ और संभाल के रख देती हूँ। बट गंदा नहीं करती मैं, घर पे एक पन्नी में आराम से इनको बांध के आराम से कोने में रख देती हूँ। क्योंकि जब क्राफ्ट बनाना होता है ना, हमें नहीं पता होता हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। और किसी भी चीज़ को आपको शेप देनी है अच्छी, तो कबाड़ का, इन पॉलीथीन का यूज सबसे बेस्ट होता है। आज इन्हीं से चलिए बनाते हैं एक सुंदर सा क्राफ्ट। सबसे पहले मैंने ले ली है कि ये बोतल। बोतल मुझे कहाँ मिली थी, मैं खेत पे मम्मी के साथ गई, वहाँ पे खेत पे दवाई लगी थी, और ये लास्ट ईयर मैं लेके आई थी इस बोतल को, और ये अभी तक रखी हुई थी। और मम्मी मेरे को बस ऐसे बोलती रहती है। अब वैसे बोलूँ तो मम्मी का माइंड भी मेरे जैसे ही हो गया है। एक्चुअली मम्मी तो पहले अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राफ्ट करती थी, कढ़ाई बुनाई। और पहले जो हमारी मम्मियाँ हैं वो, उनके टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती थी पहले घर पे ही, और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते थे बहुत ज़्यादा। मम्मी जैसे बताती है मोहल्ले पड़ोस में एक दूसरे के घर खाना वगैरह शेयर करना, बहुत सारी चीज़ें थी। आज की लाइफ तो हमारी ऐसी हो गई है, बस घर घर में रहना और अपना 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 अपना। इनफैक्ट हम लोग, जब मैं बचपन में थी, हम लोग भी पड़ोसी के घर से, किसी के घर से कुछ खाना ले रहे हैं, और बच्चों के साथ ही इतने ज़्यादा खेलते थे। आजकल की लाइफ तो हमारी थोड़ी, अगर बोले ना, तो आर्टिफिशियल सी लाइफ हो गई है। बस काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, और कुछ भी नहीं है। वोल बुट्टी का डो आपको बना लेना है। देखिए मैंने इस पे जो मेरे फॉइल पेपर रखा था उसके अंदर मैंने लेज की पॉलीथीन, जो हमारी प्लास्टिक पॉलीथीन है नॉर्मल, वो मैंने रैप करके इसको हल्की सी शेप दी है। नीचे से हल्का उभरा हुआ रहेगा और ऊपर से हल्का, बीच में जो है एक वी शेप इसमें, सॉरी यू शेप इसमें आएगी, एक थोड़ा हल्का टर्न देगी शेप, आप जैसे समझ पा रहे होंगे। तो बस वही है। फिर बोतल, हम ज्वार काटने के लिए गए थे खेत में, तो मैंने ये बोतल ले ली, आके घर आके इसको वॉश करके रख दिया था मैंने। तो बोतल बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसके मल्टीपर्पज़ यूज हो सकते थे, बट मैंने इसका सोचा है कि मैं इसका एक ये फ्लावर पॉट बनाऊंगी इस टाइप का। आपको क्या करना है, फ्लावर पॉट पे जो मैं अभी फ्लावर की जो डंडी होती है वो यूज करने के लिए आपको क्या करना है, वॉल पुट्टी को आपको बखेरना फर्श पे ऐसे ही, आपको जस्ट राउंड कर करके। बस ध्यान एक चीज़ का रखना है, जो भी आपकी पट्टियाँ बनेंगी ना, जो भी आप ये रोल अभी बनाएंगे, सारी इक्वल साइज हो। थोड़ा सा एक आपको एक दो बनाएंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा सबकी जो है लेंथ और जो विड्थ है, चौड़ाई जो है वो बराबर होनी चाहिए, तभी आपका क्राफ्ट जो है एकदम अच्छे और एक परफेक्ट शेप में आएगा, और एकदम से सेम सेम लगेगा तो अच्छा लुक आएगा। अभी आप देख रहे हैं मैं बस थोड़ा सा, वैसे ये काम जो है नन्ना काम था, और मैंने शाम के टाइम इसको बनाया, और मुझे इसको बनाते बनाते एटलीस्ट 12 मुझे बज गए थे। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ना क्या करती हूँ, साथ साथ ना मूवी चला लेती हूँ, दूसरे मोबाइल में ना मूवी चलती रहती है और अपना एंजॉय करती रहती हूँ। मैं जब क्राफ्ट करती हूँ मैं दो दो मूवीज़ भी देख लेती हूँ, वेब सीरीज चलती रहती वो देख लेती हूँ। और इससे पता है क्या है, लाइफ में जो पर्सनल लाइफ में या कुछ भी चीज़ें चल रही होती हैं उनसे इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन, और हम चीज़ों से इतना ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक लाइफ में पीस हमारा आ जाता है। अब ये जो है माइंड में आता जा रहा है जो भी है, मुझे पता नहीं था मुझे कैसे बनाना है। अब ये पिंक कलर का मैं ऐसे बनाया, देखिए अभी चाकू से जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, ये डिज़ाइन माइंड में ऑटोमेटिकली आता रहा और मैंने इसको बना लिया। अब ये पिंक कलर मैंने क्या किया, वॉल पुट्टी के डो में जस्ट हल्का सा पिंक कलर डाला और ये डिज़ाइन अपने आप बन गया। तो मीन कलर, तो मुझे आइडिया नहीं था एक्चुअली, ये पिंक कलर पता नहीं मुझे कहाँ यूज आया था, तो ये ना बच गया था। अब इसमें मैंने डिज़ाइन बना के ना पहले से सुखा दिया था। अब मेरा देखिए वॉल पुट्टी का जो डो है आटे की कंसिस्टेंसी का आपको गूंदना है। मैं इसको देखो सीजर से भी आराम से काट रही हूँ, कैची से काट रही हूँ, तब भी डो आराम से कट रहा है, कैची पे चिपक भी नहीं रहा। और पता है मैं जब क्राफ्ट बनाती हूँ तो मेरी जो वॉल पुट्टी बच जाती है ना, उससे मैं कोई भी चीज़ बना के ना रख देती हूँ। अब जैसे ये जो चीज़ें, ये पिंक वाले फ्लावर्स है, ये मैंने पहले बना के रखे हुए थे, अब मेरे देखे इस फ्लावर में काम आ गए, उससे ना हमारा माइंड काम भी करता है। अब जैसे ये प्लास्टिक की पॉलीथीन रखी है, प्लास्टिक की बोटल्स है, और ये जो पत्तियाँ हैं, ये पत्तियाँ अगर मैं आपको बोलूँ, ये मैंने बहुत पहले बना के रखी है, वाइट वाली भी, बट शूट मैं साथ साथ कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ कहीं भी काम आती है। और जब कोई चीज़ देख के फिर उसका आइडिया आया, अब ये फ्लावर पॉट का आइडिया मुझे ऐसे आया, बोतल पहले मिल गई बट ये पिंक कलर की पत्ती अलग बनी हुई थी, मैं ये सोची थी इनका यूज क्या करूँ। फिर मैंने ना एक टेम्पल बनाने की सोची, यार टेम्पल बनाऊँगी उस पर इनको यूज करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं यार टेम्पल नहीं, अभी थोड़ा सा दिवाली वगैरह का टाइम आएगा तब उसको बनाऊँगी।
फिर ये वाइट वाली पत्ती दिखी, तो मुझे कॉम्बिनेशन लगा कि फ्लावर के बीच का पिंक कलर का बन जाएगा और चारों साइड से वाइट कलर का हो जाएगा। बस ये आइडिया आ गया, बोतल उठाई और बोतल पे फिर सोचा कि यार इसके बीच की जो पत्तियाँ वो कैसे बनाऊँ। फिर एक बार को यार इतना ज़्यादा आलकस आया, लेजीनेस फील हो गई, मैंने कहा यार इतने सारे रोल कैसे बनाऊँगी। बट सीरियसली जब बनाना स्टार्ट किया ना, इतनी जल्दी ये कवर हो गया, इतनी जल्दी भी नहीं, 2-2.5 घंटा मुझे लगा इनको सिर्फ ये जो रोल हैं जो पत्तियाँ हैं सिर्फ इन्हीं इनको बनाने में। बट पत्तियाँ जो हैं सूखी हुई थी, आराम से चिपक गई। और स्पीड स्पीड मैं आपको दिखा रही हूँ भाई, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो हर किसी को आलकस आता है कि यार इतने जल्दी कैसे देखे, और स्पीड में भी आप लोगों को एक क्लियर हो रहा है कि मैं कैसे इस पर फ्लावर्स चिपका रही हूँ। और आप जब भी फ्लावर्स को चिपका रहे हैं, गीली वॉल पुट्टी पर आराम से चिपक रहा है। पत्तियों का जब आप चिपका रहे हो ना, तो पत्ती के नीचे आप क्या करें, जहाँ आपकी पत्ती हल्की सी उभरी हुई है ना, पहले आप कागज़ पे ड्रॉ कर ले जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं। आप फ्लावर्स को भी डायरेक्ट बना सकते हैं, कागज़ पे ड्रॉ किया और क्या क्या सीजर से कट कर दिया और एक सुई ली, सुई से बीच में डिज़ाइन कर करके आप पत्तियाँ भी एक साथ बना सकते हैं। अब आ गया फाइनली एक इंटरेस्टिंग वर्क जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कलर करना। देखिए मेरे पास ना कलर होते नहीं हैं, कलर मुझे बनाने पड़ते हैं। अब वाइट कलर को भी मैंने कैसे, सॉरी ग्रीन कलर को भी कैसे बना रखा है, मेरे पास येलो है, ब्लू है और वाइट है, मेरे पास ग्रीन कलर नहीं है, आज से कभी से भी नहीं है। मैं ग्रीन कलर बना लेती हूँ, ब्लू कलर को डाला, येलो कलर डाला, वाइट कलर डाला और मेरा ग्रीन कलर रेडी हो जाता है और एग्जैक्ट ग्रीन कलर निकल के आता है। डार्क मुझे करना है, मैं हल्का डार्क ब्लू डालती हूँ। लाइट मुझे बनाना है तो मैं येलो की कंसिस्टेंसी ज़्यादा रखती हूँ, बस सॉरी क्वांटिटी इस तरीके से। अब फ्लावर्स में आइडिया आ रहा था यार इसको वाइट ही रख लूँ, क्योंकि वाइट भी होते हैं फ्लावर्स। तो फिर आया मैंने कहा नहीं यार, कुछ जब तक माइंड ना, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं आता ना, खुराफाती करता ही रहता है माइंड, करना है कुछ ना कुछ करना है बस। और करते करते फिर माइंड में ये आता है यार और कुछ हो, और कुछ हो। और अभी भी इसमें कलाकारी बाकी है, लगी हुई हो अभी भी कुछ ना कुछ। मैंने एक सुई ली इससे डिज़ाइन बना, और आप मुझे सजेस्ट करो मैं इस पर कौन सा और कलर भी मैं इस पर कर सकती थी। मेरे माइंड में भी एक कलर का आइडिया और है, फ्यूचर में अगर इसको रीयूज करना होगा मुझे, अच्छे से दोबारा इसको डेकोरेट करना, तो मैं दोबारा करूँगी। अब लग गई उस पर वाइट कलर पोतने के लिए, क्यों, सेटिस्फेक्शन जब तक नहीं होता ना, चाहे ऐसी तैसी हो जाए फ्लावर पोट की, बट करना है। पर मज़ा आ रहा है यार, अभी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि नहीं यार वाइट फिनिशिंग आने के बाद। और आप मुझे वैसे बता सकते हैं कि कुछ और कलर भी इस पर हो सकता था। वैसे बहुत सारी चीज़ें यार, किसी भी चीज़ को कैसे ही बना लो। फाइनली मैं कर रही हूँ इस पर वुड वॉर्निशिंग। वुड वॉर्निश का मैं वॉल पुट्टी पे यही करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ी इसको मजबूती देता है और शाइननेस में बहुत ज़्यादा रहती है।